तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, तो जिसका फर्स्ट ऑप्शन दिया है इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन टू कैरी आर्म्स बाय द इंडियंस, और सेकेंड ऑप्शन है इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस, एंड थर्ड ऑप्शन है रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशंस इम्पोज ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस, एंड फोर्थ ऑप्शन है रिमूवल ऑफ ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेंट कॉटन क्लोथ। तो जो इल्बर्ट बिल था वो 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, और इल्बर्ट बिल लाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि 1883 के पहले जितने भी जो ब्रिटिश क्रिमिनल होते थे उनका ट्रायल केवल ब्रिटिश को जज कर सकते थे या मैजिस्ट्रेट, वो इंडियन जज और मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल नहीं किए जा सकते थे। तो रिपन को लगा कि ये काफ़ी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंडियन लोगों के साथ, तो इसके सुधार के लिए उसने इल्बर्ट बिल लाया। बट इल्बर्ट बिल का खुद यूरोपियन लोगों ने काफ़ी विरोध किया, जिसमें से यूरोपियन वुमेन खासतौर पर इसका विरोध किया, और जो प्लांटेशन कराते थे उसके ऑनर ने इसका काफ़ी विरोध किया, क्योंकि जो प्लांटेशन जहाँ होती थी वहाँ पे इंडियन वर्कर काफ़ी काम करते थे और जो ब्रिटिश ऑनर होते थे काफ़ी शोषण करते थे इंडियन लोगों का, इसलिए वो इल्बर्ट बिल से ज़्यादा डर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेडक्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड टू, तो पहला ऑप्शन है सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, एंड सेकेंड ऑप्शन है गिव इफेक्ट टू द इंडिपेंडेंस बिल, एंड थर्ड ऑप्शन है डी लिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड डी ऑप्शन है इसका इंक्वायर इन टू द राइट्स इन ईस्ट बंगाल। जो रेडक्लिफ लाइन थी वो फाइनली इम्पोज हो गई थी 1947 को, जिससे पूरे इंडिया को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, वेस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान और इंडिया। जो ईस्टर्न पाकिस्तान है यही बाद में 1971 में बांग्लादेश बना। तो अब हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो पहला क्वेश्चन है द गदर वॉज ए रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर्स एट बर्लिन, और इसका डी ऑप्शन है कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडिया फ्रीडम विद हेडक्वार्टर एट ताशकंद। तो आप सारे ऑप्शन में देखेंगे सैन फ्रांसिस्को, सिंगापुर, बर्लिन, ताशकंद, ये चारों प्लेसेज इंडिया के बाहर की है। तो इसका क्लियरली मतलब है कि जो गदर मूवमेंट था या गदर जो पार्टी थी उसका कहीं ना कहीं कोई इंटरनेशनल लिंक है। तो आइए गदर के बारे में हम देखते हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को यूएसए में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो था वो युगांतर आश्रम में था, जो कि सैन फ्रांसिस्को में था। तो जो गदर पार्टी थी उसका असली नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, हिंदुस्तान एसोसिएशन, बट इसका नाम गदर इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसके फाउंडेशन सोहन सिंह बखना और लाला हरदयाल ने की थी, वो लोग एक न्यूज़पेपर निकालते थे जिसका नाम गदर था। वो इतना फेमस हुआ कि लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के ओरिजिनल नेम मतलब पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन को भूल के इसको गदर से ही जानने लगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि 2015 में पूछा है। हमारा क्वेश्चन है कि विथ रिफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। तो इसका पहला है ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी, इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड। इसका थर्ड ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड। द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। तो इसमें 1, 2, 3 दिया है और हमें सही वाला चूज़ करना है ऑप्शन। तो सबसे पहले हम फ्यूडल सिस्टम जो था जो कि यूरोप से आया था, अब इंडिया में कैसा था फ्यूडल सिस्टम उसके हम कुछ पहले फीचर देख लेते हैं। तो जो इंडिया में फ्यूडल सिस्टम था उसमें पहला फीचर था वसालेज सिस्टम। इस सिस्टम का मतलब ये है कि
जो लॉर्ड होते थे, फ्यूडल लॉर्ड जिनके पास ज़मीनें होती थी, वो पीजेंट को ज़मीन दे देते थे, उसके बदले में वो उसी लैंड पे उनसे काम लेते थे और उन्हें खाने और रहने की व्यवस्था कर देते थे। दूसरा फीचर था इंडियन फ्यूडल सिस्टम का हेरिडेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। इसमें जो फ्यूडल लॉर्ड होते थे, फिर उनके अगले जनरेशन के पास मतलब वो ज़मीनें चली जाती थी और एडमिनिस्ट्रेटिव का जो पावर थी वो भी उन्हीं के पास मतलब रहती थी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर फ्यूडल सिस्टम की सबसे बड़ी फीचर थी। सारी पावर किंग के पास नहीं होती थी, वो फ्यूडल लॉर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। फ्यूडल लॉर्ड्स किंग के बिहाफ पे बड़ी बड़ी आर्मी मेंटेन करते थे, जब किंग को नीड होती थी तो ये प्रोवाइड कर देते थे। ऑपरेसिव टैक्स सिस्टम था, टैक्स बहुत ज़्यादा ये लोग फ्यूडल सिस्टम में चार्ज करते थे पीजेंट से। तो ये चारों फीचर हमने देख लिया। तो अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी, ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था फ्यूडल सिस्टम में। इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजिशन ऑफ लैंड, ये सही है, क्योंकि हेरिडेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन हमने पढ़ा है। क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वैसल रिलेशनशिप, ये भी पढ़ा है हमने, पहला ही वैसालेज रिलेशनशिप क्या था। तो 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनिज्म इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आर सी दत्त। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, 1, 1, 2, 2, 3 एंड 1, 2, 3 ओनली। तो हम तीनों लोगों के बारे में कुछ ना कुछ देखते हैं। तो जो दादा भाई नौरोजी थे, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, वो पहले ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर बने थे, पहले इंडियन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर बने थे। और दादा भाई नौरोजी ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और जो द ग्रेट ड्रेन थ्योरी थी, इकोनॉमिक थ्योरी की, ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो ग्रेट थ्योरी थी, ये भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। और आर सी दत्ता ने किताब लिखी थी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आर सी दत्ता का पूरा नाम था रोमेश चंद्र दत्त। और जो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, ये जर्नलिस्ट थे, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो हम तीनों किताबों के नाम को फिर से एक बार देख लेते हैं। जो दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एंड आर सी दत्ता ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। एंड जी सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखी थी इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और जी सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास महाजन सभा के फाउंडर भी थे। तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में पूछा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 क्लियरली डिफाइंड द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड द लेजिस्लेचर। द जुडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, एंड ऑप्शन सी द पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द वायसराय, एंड डी नॉन ऑफ द एबव। तो हम पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देख लेते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 में आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी जिसको कहते हैं, और मॉन्टेग्यू उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे और जो चेम्सफोर्ड थे उस टाइम के वायसराय हुआ करते थे। और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के तहत पहली बार इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन आया था। और 1999 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट आया था, अरे कम्युनल इलेक्टोरेट आया था इंडियन हिंदू और मुस्लिमों के लिए, उसको ब्रिटिशों ने बढ़ा के सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया, सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए और एंग्लो इंडियंस के लिए। और डायआरकी भी फर्स्ट टाइम आई थी प्रोविंशियल लेवल पे, जिसमें कुछ चीज़ें रिजर्व लिस्ट में होती थी, कुछ ट्रांसफर्ड लिस्ट में। रिजर्व में इंपॉर्टेंट होती थी जो कि ब्रिटिश मिनिस्टर हैंडल करते थे, और ट्रांसफर्ड लिस्ट में नॉर्मल चीज़ें होती थी जो कि इंडियन मिनिस्टर के हैंडल कर सकते थे। और 1919 के पहले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोस्ट होती थी वो इंडियन रेवेन्यू से उनकी पेमेंट पे की जाती थी, बट इस गवर्नमेंट एक्ट के बाद ब्रिटिश को
कोषागार से पेमेंट होने लगी। और इसी में बाई कैमरल सिस्टम भी आया था, जो कि लोअर हाउस और अपर हाउस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। जो आज का लोकसभा है वही उस टाइम का लोअर हाउस था, और जो आज का राज्यसभा है अपर हाउस वही उस टाइम काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। तो जितने भी ऑप्शन हैं, जैसे द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, या द पावर ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द वायसराय, इसका इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है, द जुडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यही ऑप्शन सही है। क्योंकि आपने देखा है कि डायार्की आ गई, जो कि प्रोविंशियल लेवल में दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, और सेंट्रल लेवल पे भी आपने अपर हाउस और लोअर हाउस का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है। चलिए, ये क्वेश्चन आया था आपके 2015 के पेपर में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 2016 में पूछा है। सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार, अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, एंड एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, एंड पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। तो सत्यशोधक समाज के बारे में हम पढ़ते हैं। जो सत्यशोधक समाज था, इसका फाउंडेशन किया था महात्मा ज्योतिराव फूले जी ने, वो भी 24 सितंबर 1873 को। और इसका ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन और सोशल अपलिफ्टमेंट और एजुकेशन की ये बात करते थे। और किसके लिए बात करते थे, शूद्रास के लिए कहते थे, उस टाइम के दलित वर्ग के लिए कहते थे, वुमेन्स के लिए कहते थे। वुमेन एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इंडिया का जो पहला गर्ल्स स्कूल था, इन्हीं की वाइफ पंडिता रमाबाई ने महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम खोला था। तो ये जो क्वेश्चन है 2014 के एग्जाम में पूछा है कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल। द फर्स्ट ऑप्शन है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडिया ट्रूप्स वेयर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज इंडेड। किंग जॉर्ज फाइव एब्रोगेटेड कर्जन एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। गांधी जी लॉन्च हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 व्हेन ईस्ट बंगाल बिकम ईस्ट पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं तो आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ, बिना अगर आपको नॉलेज भी नहीं है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या हुआ था, तो भी आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडियन ट्रूप्स वेर नीडेड बाय द ब्रिटिश, तो आपको पता होगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से 18 तक लड़ा गया था, और ये 1905 की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी 1913 लॉन्च किए थे, ये भी ऑप्शन आप ऐसे ही एलिमिनेट कर लेंगे। ये पार्टीशन 1947 की थी, ये भी आप ऐसे ही एलिमिनेट कर लेंगे। तो बाई एलिमिनेशन मेथड ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि 1911 में जब किंग जॉर्ज ने इसे ख़त्म किया था। अब हम पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में कुछ देख लेते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था 1905 में, और उसने 1903 में ही इसकी घोषणा कर दी थी, और इसका काफ़ी विरोध हुआ। तो 7 अगस्त 1905 को बायकॉट रिजोल्यूशन कलकत्ता हाल में पास हुआ, जहाँ की काफ़ी लोग मौजूद थे, और उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च कर दिया, जिसके फीचर्स थे बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, जितने भी फॉरेन सामान थे, कपड़े थे, उसका खूब तेज़ी से बायकॉट हुआ, उनको जलाया गया जगह जगह। फिर कई सारी समितियाँ बनी, उसमें वॉलंटियरों ने काम किया, जा जा के उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को प्रचारित किया। फिर स्वदेशी मूवमेंट में फेस्टिवल और मेला को भी इन्होंने यूज किया, जो फेस्टिवल होते थे हिंदुओं के, उसको भी एज अ इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए यूज़ किया इन्होंने, उसके तहत भी इन्होंने काफ़ी अवेयरनेस फैलाई, और नेशनल एजुकेशन के लिए भी इसमें काम किया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है हमारा, उसका फाउंडेशन हुआ था 15 अगस्त 1906 को, स्वदेशी मूवमेंट के ही दौरान। और कई सारे नेशनलिस्ट कॉलेज भी इसी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान बने थे, और ये डिलीट हुआ था पार्टीशन 1911, किंग जॉर्ज फाइव किए थे, और इसी टाइम जो कैपिटल थी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी। नहीं तो पहले कैपिटल कलकत्ता हुआ करती थी, पर दिल्ली इसी 1911 में ही किंग जॉर्ज फाइव द्वारा कर दिया गया था। और मैंने तो आपको एलिमिनेशन मेथड से बता ही दिया है कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858, जो कि 2014 में क्वेश्चन आया। तो पहला है टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट्स,
सेकेंड है टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर द ब्रिटिश क्राउन टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया। तो हम क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन को देख लेते हैं। तो उन्होंने बस तीन स्टेटमेंट दिया था कि नो एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंट टेरिटोरियल पोजिशंस, मतलब जितना उन्होंने कैप्चर कर रखा है इससे ज़्यादा वो नहीं कैप्चर करेंगे, और रिस्पेक्ट करेंगे जो भी वहाँ के राजा हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनके ऑनर की, मतलब उन्हें फ्रीली गवर्न करने देंगे। और रानी ने यह भी कहा कि कोई भी अगर जिसके अंदर टैलेंट है, एबिलिटी है, ईमानदारी है, तो बिना भेदभाव के, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के, हम उन्हें अपने यहाँ अपॉइंट करेंगे, जॉब देंगे। और ये जो क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन हुआ था वो 1 नवंबर 1858 को अलाहाबाद में हुआ था, ये जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1858 अलाहाबाद में हुआ था। तो ये हमने तीनों देख लिया। तो जो इसका पहला है, तो डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स इंडियन स्टेट, ये पहले स्टेटमेंट उन्होंने यही कहा है कि नो एक्सटेंशन ऑफ टेरिटोरियल पोजिशन टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन, ये भी सही है, क्योंकि 1857 में रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद आपको पता ही होगा कि ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लिया। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया ट्रेड विथ इंडिया, ये आपका ऑप्शन गलत है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था उसको रेगुलेट करने से कोई लेना देना नहीं था, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ये 2014 में क्वेश्चन आया है। 2014 का ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए कम्युनिटी ऑफ पीपल कॉल्ड मंगनियार्स इज वेल नोन फॉर देयर मार्शल आर्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, क्लासिकल वोकल म्यूजिक इन साउथ इंडिया, पिट्रा ड्यूरा ट्रेडिशन इन सेंट्रल इंडिया। तो जो मंगनियार्स हैं वो एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि राजस्थान में पाई जाती है, और जो कि करताल एक होता है उसी को ये बजाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान साउथ इंडिया में नहीं पड़ता है और नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है, मार्शल आर्ट तो है नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। म्यूजिकल ट्रेडिशन, करताल एक होता है उसी को ये ट्राइबल्स लोग बजाते हैं घूम घूम के। थैंक यू, एंड आप इसी तरह इस वीडियो को देखते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही MCQ जो क्वेश्चन पिछले साल आ चुके हैं UPSC में या UPPCS में, वो ऐसे ही चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, और आप इस क्वेश्चनों को खुद से सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।